हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है ना, शुक्र है आपका भाई बच गया, जिंदा बच गया। जो कल जो हमने वीडियो बनाई थी ना, क्या कहते हैं, वर्ल्ड मोस्ट स्पाइसीएस्ट नूडल जो हमने खाए थे, जहाँ जहाँ से गुजरे ना वहीं वहीं से अभी तक जो है ना पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ से मेरे गुजर गए। और जो है ना, सारी रात मैं नहीं सो सका, सारी रात मेरा गला जो है ना मसाला जो है ना लग रहा था और बड़ा ही मसला था, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। शुक्र है कि मैं बच गया हूँ। अच्छा, तो फाइनली हमारा जो मिस्त्रियों का काम था ना, वो हो गया कंप्लीट। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या करवाया था और जो है उन्होंने क्या क्या किया है। अच्छा, तो गाइस, मैंने आपको सिर्फ उस वक्त दिखाया था जब यहाँ पे टाइलिंग हो रही थी। टाइलिंग तो जो है ना हो गई थी, उसके बाद हमने सोचा कि इसको जो है ना थोड़ा सा बनवा लेते हैं। तो ये अभी आधा बना है, आधा फिर बनवा लेंगे बाद में कभी। उस सामने से ये वाला हमने पर्दा बनवा लिया था, ठीक है, जो प्लस्तर हुआ हुआ है। ये पर्दा हमने इसलिए बनवा लिया था ताकि किसी के घर में नज़र ना पड़े, ठीक है। वो सामने वाले घर हैं, उनके घर में नज़र पड़ती है हमारी छत से, तो ताकि तो अगर हमारे घर से किसी के घर में नज़र पड़ेगी तो वो जो है ना अच्छा नहीं लगता ना। तो बेहतर यही है कि हम जो है ना अपनी साइड से दीवार डलवा लें और आज़ादी से अपनी छत पर घूमें। तो ये है रीज़न सामने वाला पर्दा डलवाने की। अब मैं बाहर जाता हूँ, आपको बाहर से दिखाता हूँ कि ये कैसा है। अच्छा, तो गाइस बाहर से देखिए ऐसा नज़र आता है, बड़ा ही बेहतरीन लुक आती है इसकी। हाँ, तो फिर लग रहा है ना स्मैक्सी। चलो फिर अब जो है ना एक और काम करना है हमने, जो है ना वो स्टूल और फट्टा देकर आना है वापस, जो हमने शटरिंग वाले से लिया था। ये है वो, ये हमने देकर आना है। अच्छा, तो फाइनली हमने जो है ना शटरिंग का सामान वापस कर दिया दुकान वाले को, वो स्टूल और फट्टा जो है ना वापस कर दिया है। अब जो है ना मुझे पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बॉर्डर बाइक नहीं लेकर आया था, वो आते हुए जो है ना उस फट्टे वाले के साथ बैठ गया था, रिक्शे वाले के साथ। अब जो है ना पैदल पैदल जा रहे हैं और घर पहुँचेंगे। अब जो मेरी बाइक है उसका भी जो है ना थोड़ा कबाड़ा हुआ पड़ा है, तो उसका कबाड़ा भी सही कराएँगे किसी न किसी दिन, कराते हैं उसको भी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ आज ही करा लेते हैं ये काम भी। चलो हाँ, डन हो गया ये काम, आज कराते हैं। क्या यार, इतनी गंदी हुई पड़ी मोटरसाइकिल, सबसे पहले इसको जाते हैं धुलवाते हैं, ठीक है। धुलवाने के बाद जो है ना इसके जो पुर्जे शुरजे हैं ना वो जो हैं वो लेकर आते हैं और फिर जो है ना उनको फिक्स कराते हैं और ट्यूनिंग वगैरह और ऑयल चेंज वगैरह करवाते हैं। ये है अपनी बाइक, इसको अब हमने कराना है, ठीक। देख रहे हो इसकी क्या हालत है, ये टूटे फूटे पड़े सारा कुछ, ये टूटा पड़ा, ये टूटा पड़ा, ये देखे मैंने इसको टेप लगा रखे, देखा इसकी क्या हालत है, खटार हो ही पड़े। अच्छा, तो सबसे पहले करवाते हैं इसकी सर्विस करवाते हैं ट्यूनिंग से पहले। अगर जो है ना ट्यूनिंग से पहले सर्विस करवा ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो है ना अगर जैसे मट्टी वगैरह लगी होती है टायरों पर, रिम पर, और जो है ना इसके माटी गार्ड के अंदर मट्टी वगैरह लगी होती है तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाती है, उससे जो है ना बहुत अच्छी जो है ना फिर ट्यूनिंग भी बहुत साफ़ सुथरी तरीके से हो जाती है। तो चलो चलते हैं पेट्रोल पम्प पर, उस अब जो है ना फिर बाइक को जो है ना सर्विस करवा कर धुलवा कर लाते हैं और फिर जाते हैं ट्यूनिंग वाले के पास, बाइक वाले के पास, फिर जाने इसको ठीक कराते हैं। चलो चलें। अच्छा, तो भाई अपनी बाइक होगी लश पश, नहा धो के चिकनी हो गई है, ठीक है। अभी बहुत सा काम रहता है, अभी तो इसके बहुत से पुर्जे लेने हैं, पुर्जे शुरजे लेके और फिर जो है ना हम इसको चलेंगे जुड़वाने। अच्छा, तो भाई अपनी बाइक को लश पश करा के धुलवा के और जो आप जा रहे हैं मैकेनिक की दुकान पर, मैकेनिक की दुकान पर जाकर जो है ना हम इसको बनवाते हैं, जो इसके पुर्जे छुटे नहीं है ना वो भी उसी के पास से मिल जाएंगे, उससे लगवा लेते हैं। अभी मौसम जो है ना बिल्कुल जो है ना बादल वाला हो गया। थोड़ी देर पहले जब हम धुलवाने के लिए जा रहे थे तो काफ़ी जो है ना धूप निकली हुई थी, अच्छी बेहतरीन मज़े की धूप थी। अब फुल जो है ना बारिश वाला माहौल हो रहा है, बस बारिश ना आ जाए। तो वैसे तो अक्सर यही होता है, जैसे जो है ना बाइक धुलवाते हैं तो उसके बाद बारिश हो जाती है। अच्छा, तो आ गए हैं आप मैकेनिक की दुकान पर, अब हम अपनी मोटरसाइकिल को बनवाते हैं, इसको पूरी तरह लगवाते हैं, ठीक है। ये है अपनी बाइक, ये है जी मैकेनिक हमारा छोटा सा। चलो चलो जल्दी करो। yeah.
आधा काम हो चुका है तकरीबन, जो है ना थोड़ा ही रह गया है बस। हाँ तो भाई अपनी बाइक फाइनली तैयार हो चुकी है, रेडी हो गई है, साफ सुथरी चमक शमक गई है। जो इसके पुर्जे शुरे टूटे हुए थे वो लगवा दिए हैं, मीटर लगवा दिया है, ठीक है। ये हेडलाइट वगैरह नहीं चल रही थी, ये सही करा दिया। ये फुट रेस बड़े बेहतरीन लगा के दिया उसने, ये कमाल। चल वो जो दूसरे फुट रेस थे ना, वो जो पहले फुट रेस लगे हुए थे ना, वो फुट रेस ऐसे थे कि वो जो गेट में अगर कभी फंस जाए ना तो बस दस्ती टूट जाते थे। और भाई अब जो मौसम हो रहा है ना, मैं कहता हूँ अंत का मौसम हो रहा है, बड़ी सर्दी हो रही है। मैंने ऊपर से एक स्वेट शर्ट के ऊपर से दूसरी एक हुडी पहन ली, स्वेट हुडी, कमाल मजे की। मैं कहता हूँ ये मौसम चेक करो ज़रा, बस सुबह मौसम जो था ना वो हल्की हल्की धूप निकली हुई थी उस पर, अब तो मैं कहता हूँ मरी वाला माहौल हो गया। ओ भाई मेरी बाइक को तो किसी ने नज़र ही लगा दिया है। अभी जब रास्ते में आ रहा था तो जो है ना फटे वाले रिक्शे के साथ जो है ना फंस गया और उसकी सीट फट गया। ये देखो ये फट गई। क्या बनेगा क्या बनेगा।